हमारे सहयोगी तुषार ने राज्यपाल कश्यप से खास बातचीत की है, सुनिए। आपके पास सभी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। राज्यपाल कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा से एमएलसी हैं। राज्यपाल जी स्वागत है आपका, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? तुषार जी हाँ बोलिए बोलिए। राज्यपाल जी क्या तैयारी है इस बार मानसून सत्र को लेकर? चुनावी साल का मानसून सत्र है ये आखिरी सत्र? देखिए ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है और बीजेपी सत्र चलाने से भाग रही है। मात्र 3-4 ही मीटिंग रखा है और जबकि इतनी समस्याएं इस प्रदेश में आ गई हैं और जब से खासतौर से बीजेपी आई है, बेरोजगारी बड़ी है, चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और किसान बदहाल हो गया, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। आज साथ ही साथ में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और सभी मुद्दे हैं और सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। इनका 5वां बजट हो गया, 5वें बजट में 5 मंजिल बिल्डिंग भी बताने की हैसियत में नहीं है बीजेपी, 1 अस्पताल बताने की हैसियत में नहीं है, कहां धरातल पे है। योगी जी ने वहां होर्डिंगों में, प्रचारों में, दुनिया में 1 नंबर पे प्रचार में, और इतना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उन्हीं के फीते काट रहे हैं, उन्हीं के कामों को अपना काम बता रहे हैं। एक ना सड़क है, ना अस्पताल है, ना दवाई है, ना बेड है, कोरोना से लोग तरफ तरफ के मरे हैं। बीजेपी ने कोई मदद नहीं की, श्रमिक मर गए रास्ते में चलते हुए, कोई मदद नहीं की। आज बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है और पिछड़े दलित और जिस तरीके से संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, जातवाद जनगणना कराई जाए, हम लोगों की मांग है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है, जातवाद जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक और अधिकार मिले और साथ साथ में मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशें लागू हो। और आज जो विधानसभा में सत्र, ये सरकार भाग रही है, हम लोगों की मांग है कि सत्र लंबा चलाया जाए, जिससे जनता के मुद्दे आए, जिससे जनता सफाई दे। इनका संकल्प पत्र कहाँ गायब है, कहाँ लापता हो गया? योगी जी कभी देख ले उसको, संकल्प पत्र को भी अपने जी जनता पे जिसने वोट मांगा था, बताए ना। बिल्कुल, और ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनको सवालों का जवाब आप मांगने की कोशिश तो सत्र में करेंगे और यही वजह होगी कि वहां पर हंगामा होगा। हंगामा होगा तो सरकार कहेगी देखिए जनता को बिलों को पास नहीं करने देना चाहती है विपक्ष, और यही वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या आपको लगता है इसका माइलेज मिलेगा सरकार को? जी तुषार जी, आवाज क्या बोला? मैंने कहा कि आपको सत्र हंगामा भी होगा, ये लाजमी है, तो ऐसे में सरकार को क्या माइलेज नहीं करती है? हमारा विधान परिषद में बहुमत का विरोध करते हैं, ये बिल क्या करके यहाँ बचा क्या है? बोलने की आजादी छीनी जा रही है। आज तो टीवी चैनल भी किसी को कोई बोल दे तो करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या। और हमारे नेता माननीय इनको किसानों की आय दुगनी करने, हेलो जी सुन पा रहा, विधानसभा में आ चुका हूँ और जिस तरीके, कौन से वो मुद्दे हैं? क्योंकि आज तो देखिए ज्यादा दिन चलेगा वर्ष को से अंदर पढ़ना है, किन बातों पर चर्चा करनी है, आपका सीधा क्या होगा? आप हमारी मांग है कि महंगाई पे चर्चा हो, तो किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है उस पर चर्चा हो, लोकतंत्र की जो हत्या की है उस पर चर्चा हो, जो भ्रष्टाचार की हिंसा हो के भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग पे चर्चा हो कि भ्रष्टाचार कोरोना और नाम की चीज नहीं है, इन्होंने सब दिखे और उसमें मुद्दे उन्होंने किए हैं। ठीक है, ये ठीक है, चल जी हमसे जुड़ने की कुल बुला